दोस्तों आज इस 75 साल जश्न में जो अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट, अब तो ये ऐसे रहेगा कि जैसे अब आज लोग कहते हैं कि मेरी दादी माँ कोई कहानी सुनाएगी, तो नई नस्ल जो है वो कहानी सुनने के लिए दादी माँ के पास अब नहीं जाएगी, बल्कि अपने गूगल पे सर्च करेगी कि मेरी दादी माँ जो कह रही है उस कहानियों में दम है क्या। लेकिन यकीनन आज भी दादी माँ की सारी कहानियाँ गूगल पर आ गई हैं। आप सिर्फ टाइप करिए कि मुझे अपने नानी की कहानी सुननी है, तो नानी की कहानी गूगल पर रेडी है, तुरंत सुन लीजिए। लेकिन वो लुत्फ नहीं है जो दादी माँ और नानी माँ बैठ के सुना देती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 10-12-15 सालों में हम जब 100वीं जश्न मना रहे होंगे, तो शायद मुझे अपनी नई नस्लों को भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि हिंदुस्तान आजाद भी हुआ था। हालांकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क हमसे बहुत बाद में आजाद हुए, लेकिन उन्होंने अपनी आजादी के लिए और अपने लोगों के लिए जिस तरह से वो आज जागरूक हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, शायद हमारे मुल्क की आजादी को एक कहन लग गया कि हम हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़कर मुल्क के तमाम उन खूबसूरत लम्हों को अपने हाथों से जाया कर दे रहे हैं जो हमारे बाप दादों की विरासत में हमें मिले थे। आपको जानकर हैरत होगी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट, आपसे आप शहर में अगर हो तो ग्रांट रोड से नीचे जब ब्रिज की तरफ उतरिए तो एक खूबसूरत सा मैदान था, लेकिन वो भी पर्यावरण का भेंट चढ़ गया। अब अगर आपको फंक्शन करना है तो सरकार से परमिशन लीजिए, 6 महीने लगा दीजिए, परमिशन के आखिरी दिन काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे पिछले साल एक बात सर बड़ी अच्छी लगी कि उस खूबसूरत से मैदान में पहले कांग्रेस अकेले इस कार्यक्रम को करने आती थी कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़े मूवमेंट का अधिकार मेरे पास रिजल्ट है, मैं इसका सारा टाइटल सूट अपने पास रखा हूं और इसके अलावा दूसरा कोई नहीं करेगा। फिर एक ऐसा दौर आया कि 10 सालों में कांग्रेस और एनसीपी का एक नई पार्टी बनी और फिर उन्होंने भी अपना झंडा खेमा गाड़ा और 2 पार्टियां आने लगी। लेकिन पिछले साल जो मैंने देखा, मुझे बड़ी हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि वो लोग जिनका इस मुल्क की आजादी उस मूवमेंट से, इस देश से कोई संबंध नहीं था, उन्होंने भी अपना झंडा गाड़ा और कहा कि साहब हम अपने बुजुर्गों को याद करेंगे और हम भी उस दिन जो है सरकारी कार्यक्रम मनाएंगे। तो मुल्क आजादी के जब ये प्रोग्राम हो रहा था तो महाराष्ट्र की सरकार ने भी वहां बच्चों को बुलाया, 10-5 हजार बच्चों को, और करोड़ों रुपया पंडाल बनाया और नो जाने क्या क्या। लेकिन ठीक है, अगर वो उस पर करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं तो मुझे कोई उसमें हैरत नहीं होती, इसलिए कि अगर उनके लिए जिन्होंने इस मुल्क की आजादी लाकर हमारे हाथों में दिया, अगर उस मूवमेंट को लोग याद कर लें और उस मूवमेंट के बारे में लोग जान लें तो यकीनन उनका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट ही हिंदुस्तान की आजादी का सबसे अहम मोड़ था। आजादी 47 के बाद मिली या 47 में मिल गई, फिर 47 से आज के 67 सालों से तबाही के अलावा अभी नजर नहीं आता। जिन लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए अपने खून बहाए, जिन लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए काम किया, अगर वो आज जीवित होते या आज वो रहते तो शायद उन्हें इस बात का दुख होता कि मैंने इस मुल्क के लिए लड़ाई को क्यों लड़ा। लेकिन चूंकि अंग्रेजों से लड़ना था, अंग्रेज हमारे हालात से इस कदर जानकारी उनको हो गई थी कि हमारे दोनों के बीच में फूट डालने, लोगों को किस तरह से बर्बाद करने उनका अपना एक पेशा बन गया था, और उन्होंने उससे लेकर उन तमाम बड़े लीडरों को तबाही की ओर ले गए। ऐसे ऐसे लोगों को लाके उन्होंने रखा कि ये मुल्क कभी आजाद ना हो पाए। लेकिन इस मुल्क के उस दौर के लोगों को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के कांधे से कांधा मिलाया, मुल्क को आजाद किया और आजाद करके आपके सामने रख दिया। और आजाद करने के बाद आज भी जहां दुनिया में लोग तरक्की करके बहुत सारे काम कर रहे हैं, वहीं हमारा मुल्क आज भी ऐसे ऐसे इश्यूज को लेकर देश में तूफान खड़ा कर रहा है जो हमारे लिए शर्म की बात है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के दौर में दुनिया के दूसरे मुल्क हमसे 20 साल आगे निकल गए, हमसे 20 साल आगे निकल गए, और आज हम 20 साल पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुधरने को तैयार नहीं। जिन लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराया, जिन लोगों ने ये मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने तो कभी ही नहीं सोचा था। उन्होंने कभी अगर ये सोचा होता तो हिंदू मुस्लिम तहजीब का जो संगम था उनका, जिसके लिए उन्होंने काम किया, जब मिलकर काम करते रहे तो ये सब नौबत ही नहीं आती। आपने देखा होगा कि गांधी जी जब दांडी मार्च कर रहे थे नमक आंदोलन का, तो जब उन्होंने देखा कि आंदोलन शुरू है और गुजरात में और दांडी मार्च के दौरान पुलिस मार रही है और पकड़ रही है, तो बड़ी मुझे एक खूबसूरत सी एक फिल्म दिखी जिसमें हमने देखा कि किस तरह से लोग एक दूसरे पे जवाबदारी डाल रहे थे। वो उसकी एक मिसाल ये थी कि जिस वक्त गांधी जी अरेस्ट हुए तो लोगों ने पूछा कि अब ये मूवमेंट कौन चलाएगा, भाई मेरे बाद मौलाना चलाएं।
मेरा माला चढ़ाएंगे, माला तस्वीर देखकर मुझे खुशी लगी कि उर्दू डिपार्टमेंट को मैं सलाम करता हूं, यहाँ के यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के लोगों का और खास करके पटेल साहब को। पटेल साहब आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये तो आज इतने ही है, अगली बार से स्लाइड लगाना पड़ेगा, घर में बैठ के देख लीजिए क्यों वो दौर आ रहा है। इसे इसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पांच लोग भी इस मुल्क में अगर इस लायक जीवित हैं, पांच लोग भी कि वो अपने मूवमेंट को जानना चाहते हैं, मुल्क कैसे आजाद हुआ, अंग्रेजों के भगाने के लिए किन लोगों ने काम किया, अंग्रेजों को भगाने के लिए कौन सी तरतीबें यूज की हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने जो जो तहरीकें चलाई, रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, खुफिया मूवमेंट्स की जितनी तहरीकें चलाई, जो उन्होंने किया, आज का आदमी तो वो भी नहीं कर रहा है। आज तो टेक्नोलॉजी के दौर में सॉफ्टवेयर चोरी करने के बाहर सोचते ही नहीं, पढ़ लिख लिया वो सिर्फ यही काम कर रहा है, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर है, क्या काम करते हैं साहब, हाईजैकर हैं साहब, वो प्रोफेसर साहब की बैग में से डॉक्यूमेंट्स चोरी करना, यही काम में लगे हैं। ये तरक्की के लिए मुल्क आजाद नहीं हुआ था, ये तो आप अपनी खुदगर्जी का काम कर रहे हैं। जैसे इस्लाम में लोग बेटा हम नमाज पढ़ते हैं, पांच वक्त नमाजी हैं, हम साहब कुरान पढ़ते हैं, साहब हम तो दीनदार आदमी हैं, ये कोई माने नहीं है मुसलमान के लिए, ये तो आप अपने लिए करते हैं ना, आप अपने रसूल और अपने अल्लाह की बनाई कौमों के लिए क्या कर रहे हैं, जिनके लिए आपको भेजा गया, जिनकी सुन्नतों के लिए आपको काम करना था, उनके लिए आपने क्या किया। मैं अपने घर में इंजीनियर हो गया साहब, 1,00,000 सैलरी पाता हूं, अरे आप 1,00,000 पाते हैं अपने लिए पाते हैं ना, आपकी जो जवाबदारी इस मुल्क के लिए थी, आपके आबो अजदाद ने जिस मुल्क को आपके लिए आजाद किया था उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके नाम पर वो जीरो है, उसके नाम पर वो जीरो है। यही तहरीक जो 1942 की ये मूवमेंट चला, वो तहरीक उस जगह पे चली, आज भी वो जगह बरकरार है, कहीं चेंज बदल नहीं है। और ये तहरीक मैं बड़े दावे से कहता हूं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल था इस तहरीक को चलाने में, लेकिन मैं जब वहां प्रोग्रामों में जाता हूं तो वहां मुसलमान बस वही नमक के बराबर ही है दाल में, कि वो जाता ही नहीं। मैंने पिछले साल जमीयत उलमा के लोगों से कहा कि आपकी ड्यूटी है, आपके आबो अजदाद ने लाखों लोगों ने इसमें कुर्बानियां दी है, आपको अपना झंडा बुलंद करके वहां जाकर और वो शहीदों के ऊपर फूल डालना चाहिए, आप डरते क्यों वहां जाने से, आप सेमिनार करिए, बड़े से बड़ा सेमिनार उसी जगह पर करिए, सरकार से कहिए हम नहीं मानते इसको, ये हमारे आबो अजदाद की जगह, यहीं से मुल्क आजाद हुआ, अगर हम यहां प्रोग्राम नहीं करेंगे तो क्या हम समंदर के पानी में जाके करेंगे। लेकिन नहीं जा रहे लोग, ये क्यों नहीं जा रहे, इन्हें सोचने की जरूरत है। और उसी सोच के आगे मैं आपको बताता हूं कि जब वहां गिरफ्तारी हो रही थी और मौलाना आजाद उस मूवमेंट के लिए आए थे, तो उन्होंने अपनी बीवी जुलेखा से यह कहा था कि इस बार जब मैं जा रहा हूं तो मेरी उम्मीदें कम है कि मैं वापस घर आऊं, या मेरे ऐसा भी हो सकता है कि मेरी आपकी मुलाकात भी ना हो, क्योंकि उनकी अहलिया बहुत बीमार थी, यानी इतना बीमार थी कि वो उन्हें पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मौलाना जाने लगे तो उनके घर से बाहर उन्हें वो छोड़ने भी नहीं आ सकी, इतनी तकलीफ थी। लेकिन चूंकि वो एक अहम काम के लिए जा रही थी इसलिए उन्होंने रोका नहीं, और जब वो यहां आए तो वही हुआ, झंडा फहराने के बाद अरुणा आसफ अली ने फहरा दिया, लाठी चार्ज हो गई, लाठी चार्ज होने के बाद लोग गिरफ्तार किए गए, सबसे पहले जो है मौलाना आजाद, पंडित नेहरू और जितने लोग थे उनको गिरफ्तार करके वीटी स्टेशन ले जाया गया और यहीं से अहमदनगर जेल भेज दिया गया। तो अहमदनगर जेल का एक छोटा सा वाकया, मेरे प्रोफेसर बैठे हैं, इनको मालूम है कि मैं मौलाना आजाद पे काम कर रहा था, हमारे साथी हैं, काम किया इन्होंने, कि अहमदनगर जेल में बड़े सारे लीडर्स देश के, सारी कौमों के बड़े लीडर इस देश की जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त, वो सारे के सारे उसी अहमदनगर जेल में थे। वहां का एक जेलर रात को देखा कि हजरत मौलाना जो है मौलाना साहब बैठे कुछ लिख रहे हैं, कुछ किताबें कुछ उस पर बहस है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मौलाना आप देर रात इतनी रात जग आप लिख रहे हैं, सारे जितने लोग यहाँ बंद हैं, बहुत सारे लोग हैं, पंडित राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, नायडू हैं, सभी लोग हैं, तो आप इतनी रात जाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम कि हम यहाँ बैठे हैं जाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जब आप पहली बार कलकत्ता में बंद हुए थे इस मूवमेंट के लिए, तो उस वक्त मेरे वालिद जेलर थे, तो उन्होंने मुझे आपकी बड़ी सारी कहानियां सुनाई कि मौलाना ऐसे हैं, मौलाना ऐसे, मुझे इत्तेफाक हुआ तो मैं बड़े फिक्र में था कि मौलाना यहाँ जेल में है तो मैं उनके आसपास रहूं, शायद कुछ देखने को मिले। तो मैंने देखा कि आप रात में जाग रहे हैं। मौलाना ने कहा कि भाई मैं जाग इसलिए रहा हूं कि मेरी जो कौम है वो सो रही है, इसलिए मैं जाग रहा हूं, और ये जो सो रहे हैं इनकी कौम जाग रही है इसलिए सो रहे हैं। ये था तहरीक के मूवमेंट का वो हिस्सा जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमने कई बार देखा कि हमारे जो ड्रामा बनाने वाले लोग हैं, जो मौलाना आजाद पे ड्रामा बना रहे हैं, अरुणा आसफ अली पे बना रहे हैं, दूसरे जो बना रहे हैं, मौलाना की उन चीजों को नहीं दिखाते जिनको देख कर लोग कांपते थे। अंग्रेज जिन चीजों से डरता था, गांधी के उन पहलुओं से अंग्रेज जिससे डरता था, उसमें नहीं दिखाते। मैंने एक ड्रामा निकाल को देखा, को दिखा रहे थे कि मौलाना को चाय बहुत पसंद है और वो कैसे बनाते हैं और हजामत कैसे बनाते हैं। मैंने उसी स्टेज से उनको बुरी तरह झाड़ा
कि ये देखने के लिए हम आपके, मेरे पास 3 घंटे का वक्त नहीं है कि मौलाना चाय कैसे पीते थे। मैं तो वो देखना चाहता हूं, वो मोमेंट देखना चाहता हूं जिसके जिसके एक एक लफ्ज से, जिनकी एक एक तकरीजों से अंग्रेजों के कान में शीशे पिलाए हुए की तरह आवाज आती थी। अंग्रेज कांपता था, सोचता था कि मौलाना को बंद करके अपने ऊपर मुसीबत मोल लूं या मौलाना को छोड़कर मुसीबत मोल लूं। अगर मौलाना को बंद कर देता हूं तो मौलाना अपनी तहरीरों से, अपनी कलम की ताकत से, अपनी खबरों से हिंदुस्तान भर में हंगामा बर्पा किए हैं। अगर छोड़ देता हूं तो मौलाना मोर्चे और लेकर हर जगह डटे हुए हैं। तीन चीजों को हमारे बच्चे नौजवान देखना नहीं चाहते, उसकी वजह भी है साहब। आज उनको देखने के लिए, पढ़ने के लिए किताबों का वक्त नहीं है। मैं मान सकता हूं, मैंने भी अपने घर में 400-500 किताबों की लाइब्रेरी रखी है, बहुत सारा पढ़ने का मौका मिला था, बदकिस्मती से सियासत में चला गया, वो सब बंद हो गए। इसलिए अगर वहां पढ़ने के बजाय सोचने पे मजबूर है कि इसकी टांग कैसे खींच दूं कि ये मेरे से नीचे आ जाए और मैं इसके आगे निकल जाऊं, झूठ की किसी भी हद तक गिरने जाने सोचने की जो कलाएं हैं अब सियासत में आ गई। तब जब कोई सियासतदान अपनी गलियों में निकलता था तो लोग सर उठाकर उसे सलूट करते थे और कहते थे कि ये मेरा लीडर है। आज सर झुकाकर शर्म से कहते हैं कि साला चोर जा रहा है, ये मेरे मुल्क का लीडर है, इसलिए इसके साथ काम करना पड़ता है। तो ये फर्क पड़ा दोनों जनरेशनों में। लेकिन नई जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा है कि बगैर किताब खोले उनके हाथ में टहलने वाला मोबाइल उनको दुनिया की तमाम सच्चाइयों से अवगत करा सकता है। दुनिया की तमाम सच्चाइयां और मोबाइलों में कैद हैं। अगर वो चाहें तो किसी भी चीज के किसी भी पेज को, अब 92 का जो ये मूवमेंट है, अगर आप अभी यहां बैठे बैठे अभी मैंने मोबाइल खोला तो देखा फटाक से मूवमेंट आ गया, 2 सेकंड में आप उसको खोलिए और सारा देख सकते हैं। लेकिन साहब उतना भी फुर्सत नहीं। तो जब नहीं है तो ऐसी कौमें तरक्की नहीं करेंगी। वो कौमें जो अपने बाप दादों के इतिहास को भूल जाएं, वो कौमें जो अपने बाप दादा के कैरेक्टर्स को भूल जाएं, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। दुनिया की तारीख उठाकर आप पढ़ लीजिए, चाहे उस तारीख इस्लाम रहा हो, चाहे तारीख इस्लाम के बाद नबूवत के बाद का हिस्ट्री रहा हो, इन दोनों में जिन लोगों ने भी अपने बुजुर्गों को भुलाया वो दुनिया की तारीख से चले गए। मैं आप दोनों को सलाम करता हूं। पटेल साहब, मैं इसीलिए आया, मुझे आज बहुत बिजी शेड्यूल था, मैं ओबीसी मूवमेंट का काम देख रहा हूं, कुछ लगे हैं, कुछ लोग हैं दिपुर शहर से आए हैं, लेकिन मैं इसलिए आया कि मुझे खुशी, बेपना खुशी हुई कि एक आदमी जो बहुत सिर्फ सामाजिक काम कर रहा है, किसी राजनीतिक दल का बड़ा सदस्य नहीं है, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ मिलकर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ, उस यूनिवर्सिटी के हाल में जहां से हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी, जहां के बच्चे मुल्क की तारीख बदलेंगे, उनके बीच बैठकर इस मुल्क की आजादी के उन हीरोज पर बहस करेगा या उनके बारे में बताएगा जिनको हमारे आबो अजदाद ने बनाया था और हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं। मुझे बेपना खुशी हुई। उनका फोन आया तो मैंने कहा 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा, मैं पहुंच चुका हूं। 1 घंटे पहले मैंने घर वालों से कहा कि साहब चलिए, जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो जिन चीजों को जानने के लिए आप अपनी नस्लों को भेज रहे हैं वो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा, और ऐसी बर्बादी की ओर ले जाएगा कि आप बच नहीं पाएंगे। कल मैं व्हाट्सएप पे एक, हालांकि सब्जेक्ट से नहीं है, एक देख रहा था कि एक मुस्लिम खानदान, मैं इसलिए इसको कर रहा हूं क्योंकि इस मुल्क की आजादी से इस्लाम का बड़ा लंबा रिश्ता है, इस मुल्क की आजादी से मुसलमानों का बड़ा रिश्ता है, इस मुल्क की आजादी से तमाम बड़े मदारिस का रिश्ता है। मैं अपने राशिद भाई का तो कंटिन्यू उस पर पार्ट 1, 2, 3 चल रहा है, और वो उन्होंने पिछले काफी दिनों से मदारिस की सोच को लेकर, मुल्क की आजादी की सोच को लेकर और इस सोच को लेकर वो लिख रहे हैं, और उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पहला पोर्टल शुरू किया और पहली बार उन्होंने कहा कि साहब ये खतरनाक काम है मेरे लिए, मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मुसलमानों के बीच अवेयरनेस ले आऊं। खबरें पढ़ना कोई बड़ा काम नहीं है साहब, सुबह चाय के साथ अखबार मिलता ही है, और उनके घरों में भी वो अखबार आता है जिनका उनसे संबंध नहीं है, लेकिन देख रहे हैं लोग। लेकिन आप जैसे लोगों ने एक नई तहरीक दी उसकी मुझे खुशी है। मैं एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहता हूं कि मैं कल एक मैसेज देख रहा था, मैसेज सिर्फ छोटा सा था कि एक बहुत ही हाई फाई मुस्लिम फैमिली जिसको मतलब इस बात का फख्र है कि मैंने बहुत दौलत कमाई है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे सब बहुत वेल सेटल्ड हैं, तो उन्होंने रमजान के महीने में मस्जिद के इमाम को दावत दिया कि भाई हमारे घर रोजा खोलने आइए। कोई उनके यहां आता ही नहीं, कोई रोजा रहता भी नहीं, कोई जानकारी भी नहीं है। तो एक इमाम साहब उनके घर सर रोजा खोलने गए तो उनका जो डाइनिंग लगा था पीछे ऐसा छोटा सा कबाट टाइप का, जैसे हम लोगों के यहां होता है कि पीछे रैक लगे हैं, बुक्स रखी है। अब वो रोजा खोलने बैठे वहां तो अपना रोजा वोजा खोले और उनके उन्होंने शायद वहां कुछ उनकी वाइफ ने पर्स छोड़ दिया था और कुछ पैसे रख दिए थे, भूल गए होंगे रख दिया। और थोड़ी देर के बाद
इमाम साहब चले गए। जाने के बाद वो खातून ने अपने शौहर से कहा कि यहां मैंने 1000 रुपए रखे थे और इमाम साहब के अलावा यहां कोई नहीं आया, तो मैं 100% श्योर हूं कि मेरा पैसा इमाम साहब ने चोरी किया। आई गई बात, उनके मियां ने उनको समझा दिया कि नहीं नहीं गलतफहमी होगी, कुछ बच्चे ले लिए होंगे, कुछ हुआ होगा इधर उधर। वो बात को एक साल बीत गया, बीवी के दिल में था कि इमाम ने चोरी की है। एक साल बाद दोबारा जब रमजान आया, सर फिर दावत दे दिया, कहा कि इमाम साहब को बुलाओ वापस दावत में। फिर इमाम साहब बेचारे आ गए, फिर दावत में वही हुआ, उन्होंने पैसे वैसे वहां रखे, फिर पैसा थोड़ी देर में गायब हुआ। फिर इमाम साहब जाने लगे तो उस औरत ने रोक लिया उस खातून ने, कहा कि इमाम साहब आपको चोरी करने की जरूरत क्या है, आप इमाम हैं, पैसा क्यों लिया आपने, क्यों ले गए? तो उन्होंने कहा मैंने कोई पैसा नहीं लिया, अरे हमने रखा यहां, हमारे घर में और कोई नहीं है, मेरा बेटा बीवी मैं और यही लोग। तो उन्होंने कहा कि जहां हम बैठे थे वो उस अलमारी को आपने कभी देखा? कहने लगा हाँ हमारी अलमारी है। बोले वहां एक कुरान करीम रखा है, जब मैं पहली बार आया तो वहां पैसा था, मैंने उसी कुरान करीम में रख दिया था और अपने जेब से 1000 रुपया रख दिया था, और इस बार भी आया तो 1000 रुपया रख दिया, तुम्हारे 2000 की जगह 3000 रख दिया। लेकिन एक बरस हो गया जो तुम्हारा कायद, जो तुम्हारा इमाम था, जिसकी इमामत में तुमको दुनिया सर करनी थी, उस इमामत के पन्नों को तुमने खोला ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं एक साल तक कि तुम्हारी तहरीक और तुम क्या थे, तो तुम्हें पता कैसे चलता कि चोर तुम हो या मैं? ये हालत है तुम्हारी। तुम अपने आबो अजदाद की बात करते हो, जिस आबो अजदाद ने अपनी कभी नमाजें नहीं छोड़ी, मौलाना ने मरते वक्त तक, आखिरी वक्त तक जो है मौलाना के यूसुफ को मुल्क की तारीख में आप पढ़ेंगे, ऐसा आलिम पैदा नहीं हुआ, ऐसा सियासतदान भी पैदा नहीं हुआ, ऐसा मुफक्किर नहीं पैदा हुआ, ऐसा कुरान का लिखने वाला भी नहीं पैदा हुआ जैसे मौलाना आजाद आपकी कौम में पैदा हुए। लेकिन आप मौलाना आजाद की कौन सी थ्योरी पर काम कर रहे हैं? कितने लोग मौलाना आजाद के लिए काम कर रहे हैं? आज के जश्न में मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने तहरीक आजादी के उन हीरोज में मौलाना का और मौलाना हसन मोहानी की तस्वीर तो लगाई नहीं। इसी शहर में जब 15 साल पहले जब गवर्नमेंट बनी, हमारे मुस्लिम साहब एक मुस्लिम मिनिस्टर हुए, मौलाना आजाद की मंत्रालय में तस्वीर नहीं थी, तो हमें पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने तस्वीर डोनेट की थी, उसी की कॉपी बनाई और मंत्रालयों को भेज दिया कि ये बुजुर्ग इसी शहर में पैदा हुआ था जिसके सामने पंडित नेहरू की हैसियत नहीं थी कि कभी मौलाना से निगाह मिला लेते। यह हाल था कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब भी मौलाना से बात करना होता था तो मौलाना के सेक्रेटरी को वो बताते थे कि पूछ लीजिए कि मौलाना जब कॉरिडोर में आ जाए तो मैं जाके उनसे बात कर लूं। ऐसा नहीं था कि उनसे कोई परेशानी थी, बेहतरीन दोस्त थे। बल्कि आखिरी वक्तों में जब मौलाना की डेथ हुई तो मिट्टी देने के बाद जब लौट कर आए, पंडित नेहरू तो बिलख कर बच्चों की तरह रो रहे थे, और उस लाम में जब मौलाना का घर था उसमें कई जगह पर सरोस कश्मीरी ने इस आर्टिकल को लिखा, मैंने पढ़ा कि वो फूलों को पकड़ कर कह रहे थे कि ए भाई तू बता, अब तो मौलाना नहीं है, तू अब भी मुस्कुराएगा? यह हालत थी, ये कैफियत थी जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन इतनी दोस्ती के बावजूद भी कभी जुरात नहीं होती थी कि किसी मसले पर मौलाना से कह दे। नायडू ने अपनी स्पीच में लिखा कि मौलाना के मरने के बाद मुल्क को कौन देखेगा। तुम्हारे पास तुम्हारे आबो अजदाद की एक लंबी फहरिस्त, तुम्हारे पास वो पूंजी जो दुनिया के किसी कंट्रीज में नहीं है, वो उलमा, वो जय्यद लोग जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया, आप उनको भूल बैठे, और ऐसे भूल बैठे कि अब तो आपके, मैंने जैसे कहा ना कि उस खातून ने 1000 रुपए के लिए 2 साल कुरान नहीं खोला, मैं समझता हूं कि 75 सालों में जो आपकी जवाबदारी थी आपने नहीं की। मैं अपने हिंदू भाइयों को सलाम करता हूं कि जो उस तहरीक में थे, टीपू की तहरीक पर आज जो बहसें हो रही हैं, जो सरकारें कर रही हैं, हालांकि सरकारों की नीयत साफ है, सरकार को यह पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम सरकार में नहीं आएंगे। तो सियासतदान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने चुनाव को जीतना, उसके लिए चाहे अपनी बीवी को मारना पड़े, चाहे बेटे को मारना पड़े, चाहे समाज को, लेकिन जीतना पड़े। तो सरकार बनाने के लिए अगर उन्होंने ये सब काम किया और उन्होंने इस तरह की तहरीकों को गैर रस्मन करते जा रहे, तो अब नई नस्लों की और आपकी और आपके लोगों की, खास करके हमारी बेटियों की, क्योंकि उनके घर जो नई नस्लें आएंगी, अगर वो उन्हें नहीं सिखाएंगी तो आने वाले दिनों में लोग बच्चे पूछेंगे कि ये मौलाना मोहानी कौन थे और मौलाना आजाद कौन थे। इसे तो आपको बचने की जरूरत होगी। आपने एक तहरीक शुरू करके हम सबको एक ऐसा मौका दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि कम से कम हम अपने लोगों को बता सकेंगे कि मुंबई की जो यूनिवर्सिटी जो दुनिया भर में मशहूर है, उस यूनिवर्सिटी के खूबसूरत हाल में और उनके सदर के साथ
अपने उर्दू दोस्तों के साथ, अपने उर्दू लीडरों के साथ बैठकर एक तकरीर के चंद लफ्ज कहने का मौका मिला था। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जजाक अल्लाह। उस गैरत नाहिद की हड़ताल है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। आपसे मुखातिब थे जनाब निजामुद्दीन राहिन साहब,